अब बात करेंगे नासिक महानगर पालिका की, जिसकी इमारत में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आगजनी की हुई इस घटना में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद शिवसेना के गट नेता और शिवसेना के मंत्री मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर जायजा लिया। आपको बता दें कि यह आग शिवसेना के गट नेता बिलास शिंदे के कार्यालय में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। वहीं आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि नासिक महानगर पालिका में आग बुझाने की जो व्यवस्था की गई थी वह काम नहीं कर रही थी, जिसके चलते आनन फानन में अग्निशामक दल को बुलाया गया। लेकिन शुक्र इस बात का रहा कि आगजनी की इस घटना में किसी तरह की कोई जीवित जनहानि नहीं हुई है और कार्यालय में रखे सभी जरूरी दस्तावेज भी सुरक्षित है। घटना की जानकारी मिलते ही शिवसेना के मंत्री उदय सामंत ने घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। आगजनी की इस घटना में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर महानगर पालिका में आग बुझाने की जो व्यवस्था की गई है वह काम क्यों नहीं कर रही थी, जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2 साल पहले अग्निशामक दल की ओर से नासिक महानगर पालिका की फायर ऑडिट की गई थी। प्राथमिक अंदाज जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो आयुक्त है उन्होंने बोला है कि शॉर्ट सर्किट है, इसका फायर ऑडिट हो गया था ऐसे भी उन्होंने बोला है। मेरे ख्याल से आगे जाके उन्होंने जो समिति गठित की है, जो फायर ब्रिगेड के ज्येष्ठ अधिकारी है उनके अध्यक्षता के अंदर उन्होंने जो समिति की है उसका अहवाल आने के बाद बोलना उचित है। लेकिन महापौर ने कहा है कि यहाँ पे फायर ऑडिट हुआ है कि नहीं, अभी तक मैं जानकारी ले रहा हूँ, मतलब महापौर को ही यहाँ पे फायर ऑडिट हुआ है कि नहीं ये मालूम नहीं है, यहाँ के फायर इक्विपमेंट भी पूरे बनते हैं। इसमें मैं कुछ राजनीति नहीं लाना चाहता क्योंकि मैंने अभी कमिश्नर के साथ बात की है, वो 4 बजे तक पूरा आवर मेरे को दे रहे हैं, वो मैं बाद में सीएम के साथ बात करूँगा। सर क्या उच्च स्तर तक बात हो चुकी है मुख्यमंत्री साहब से? सीएम साहब ने यहाँ के जो कमिश्नर है उनसे बात की है ऐसा उन्होंने अभी हमको बोला है, मेरे से भी उन्होंने बात की और पूरा अहवाल 4 बजे तक मेरे